भारत की सांस्कृतिक नगरी गया स्थानीय मिठाइयों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रही है। आज हम ऐसी ही एक मिठाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गया में खूब मशहूर है। इसकी खरीदारी के लिए लोग देश के कोने कोने से गया आते हैं। यह केवल मिठाई ही नहीं बल्कि भारत देश की परंपरा और संस्कृति है, क्योंकि इसका संबंध मात्र स्वाद और पकवान से नहीं बल्कि इसकी पहचान उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में बनाए जाने वाले मकर संक्रांति जैसे प्रसिद्ध त्योहार से भी है। हम बात कर रहे हैं तिलकुट की। अगर मैं पूछूंगी कि आप में से कितने लोगों ने तिलकुट खाया है तो जवाब आएगा, अरे यह भी कोई बात हुई, तिलकुट कौन सी बड़ी चीज है, लगभग सभी ने खाया होगा। बता दें कि तिलकुट तो उत्तर भारत में अधिकतर सभी राज्यों में मकर संक्रांति के अवसर पर चप्पे चप्पे पर मिलता है। महाराष्ट्र में भी तिलकुट बहुत ही जोर शोर से खाया जाता है। तिलकुट को तो आपने कई जगह का खाया होगा, लेकिन हम यहाँ बिहारी तिलकुट की बात कर रहे हैं, और वह भी बिहार के प्रसिद्ध गया की तिलकुट की, जिसे ना खाया तो क्या खाया। गया का तिलकुट जो मुंह में खुल जाए। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ गया के विश्व विख्यात तिलकुट से जुड़ी कुछ बातें करूंगी। अगर इसके इतिहास की बात करें तो गया के प्रसिद्ध बुजुर्ग कारीगरों का कहना है कि गया के रमना मोहल्ले में सबसे पहले तिलकुट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। वैसे अब टोकरी रोड, कोयरी बड़ी, स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में कारीगर हाथ से कूट कर तिलकुट का निर्माण करते हैं। रमना रोड और टोकरी के कारीगरों द्वारा बने तिलकुट बेहद लजीज होते हैं। वे बताते हैं कि कुछ ऐसे परिवार भी गया में हैं जिनका यह खानदानी पेशा बन गया है। यह तिलकुट स्वाद में इतना अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार इंदिरा गांधी ने भी यहाँ के तिलकुट का स्वाद लिया था और इसकी प्रशंसा की थी। बता दे कि तिलकुट जैसे ट्रेडिशनल मिठाई को जाड़े का मिठाई भी बोला जाता है। इसे बिहार के लोग आम तौर पर सर्दी के दिनों में खाना पसंद करते हैं। चूंकि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिहार के लोग भारत से कई जगह बस गए हैं, तो जैसे छठ पूजा आज के समय में लगभग हर जगह मनाया जाता है, ठीक उसी तरह तिलकुट भी आज के समय में लगभग हर जगह खाया जाता है। तिलकुट का निर्माण मुख्य रूप से सफ़ेद तिल, चीनी और गुड़ से किया जाता है। इसकी आकृति गोल, चौकोर इत्यादि के रूप में होती है। इसका स्वाद भी अपने आप में लाजवाब होता है। अगर आपने अभी तक तिलकुट को टेस्ट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर खा कर देखिए। दोबारा ज़रूर मांग कर न खाए तो फिर कहिएगा। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि तिलकुट केवल एक प्रकार से बनाई जाती है तो मैं आपको बता दूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब इस परंपरागत मिठाई की रचना की गई थी तो शायद इसे किसी ने यह सोचा हो नहीं होगा कि भविष्य में यह तिलकुट अनेक रूपों में बनाया जाएगा, जैसे कि गुड़ से बना तिलकुट। जब सफ़ेद तिल को गुड़ के साथ मिलाकर तिलकुट बनाया जाता है तो यह सबसे अच्छा माना जाता है। गुड़ में बनाए जाने के कारण इसके रंग में भी थोड़ा सा बदलाव होता है। चीनी वाला सफ़ेद तिलकुट, जब तिल का प्रयोग चीनी के साथ मिलाकर किया जाता है तो इसका रंग सफ़ेद बनता है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। खोए से बना तिलकुट, दूध से बने मावा जिसे उत्तर भारत या बिहार और उत्तर प्रदेश में खोया भी बोलते हैं, इसे तिल के साथ मिलाकर तिलकुट बनाया जाता है। लेकिन हाँ, इस तिलकुट को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता, मात्र हफ्ते से दो हफ्ते तक में इसका प्रयोग खाने में कर ले, नहीं तो खोया जो कि कच्ची वस्तु है के चलते जल्दी खराब हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स तिलकुट, तिलकुट बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक तरीके से इन तिलकुटों को बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है। बताते चले कि तिलकुट के लिए गया की एकमात्र ऐसा प्रसिद्ध शहर नहीं है जहाँ का तिलकुट सभी लोग खाना चाहते हैं। गया के अलावा सासाराम, भभुआ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य हैं जहां ये जाना माना जाता है। तिलकुट खाने के कई फायदे भी है जो हमारे सेहत से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि तिलकुट से जुड़े फायदे क्या हैं, जिसे शायद ही आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तिलकुट में जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी आहार में से एक है। बालों का असमय झड़ना, टूटना और सफ़ेद होना आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में आपको अपने खाने में इसको शामिल करना चाहिए। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, मिनरल्स, आयरन और कॉपर सहित कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी तत्वों में से एक हैं। इसलिए इसके प्रयोग आपको सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी तेज बनता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम,
थियामिन विटामिन B1 और एमिनो एसिड पाया जाता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम किसी भी तरह के मांसपेशियों के तनाव से राहत पहुंचाता है, जबकि थियामिन शरीर को शांत करता है और एमिनो एसिड जो दर्द को कम करता है और मूड को नियंत्रित करता है। ये तीनों मिलकर शरीर को शांत करता है और हर तरह के तनाव से मुक्त करता है। तिलकुट की तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड के मौसम में इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। यह आयुर्वेदिक दवा का भी काम करता है। तिलकुट खाने से कब्ज जैसी समस्या नहीं होती। यह पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। आज के लिए बिहारी जायका में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए बिहारी व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।